मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, नो फार्मर नो फूड, नो फार्मर नो फूड, किसान बिल रद्द करो रद्द करो रद्द करो, किसान बिल रद्द करो रद्द करो रद्द करो, नो फार्मर नो फूड, नो फार्मर नो फूड, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मी आरती मोरे, स्वागत आहे संपूर्ण देशभरामध्ये भारत आंदोलन आहे आणि सध्या पुण्यामध्ये अत्यंत संकट आहे। या ठिकाणी आज काही पुण्यातले शीख बांधव आहेत माझ्यासोबत, ते आंदोलनाला पाठिंबा देतात। ते कशा पद्धतीने आंदोलनाला पाठिंबा देतात आपण त्यांच्याकडे पाठिंबा आम्ही सगळे आमचे जे भाऊ बंद आहे पुण्याचे शीख संघ, हे जे पूर्ण देशात जे कॉन्ग्रेस चाललेलं आहे त्यांना आम्ही सपोर्ट करण्यासाठी एक शांतीपूर्ण मोर्चा काढलेला आहे। मला एकच विचारायचं आहे सरकारला, मला पण मला विचार सरकारला सगळ्यांना पाहिजे। आज 13 दिवस झाले आहे, त्यासाठी लोकेश आज करतो ना, आमची आवाज पण दिल्लीला, पुण्यामध्ये पण काय, मुंबईमध्ये काय, सगळीकडे समाज आज पंजाबचे आणि हरियाणाचे कृषीमंत्री पाठवत पहुंचे। आप देखो, दो बुजुर्ग इंसान बैठे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपनी पढ़ाइयाँ भी और ट्रैक्टर के बीच में टेंट लगा के कर रहे हैं। और ये इतिहास हुआ है कि धरती का पहली बार ऐसा कोई आंदोलन हुआ है जहाँ पे आंदोलन तो हो ही रहा है, तो पूरा वो शहर दिल्ली हरियाणा पूरे दुनिया के दिल में भी है, वो सारा साथ दे रहे हैं, लेकिन किसानों की मिसाल क्या कर रहे हैं। मैडम, पंजाब का किसान अनपढ़ नहीं है, ये मतलब इसको बोलते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस घुस रहा है अंदर, जो है भी नहीं, उसको घुसा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अगर बड़े हैं उनसे पूरा स्पष्ट, हम ज़्यादा नॉलेज भी बता देंगे आपको। आपका किसान कोई पागल है, फार्मर ठीक हो, किसान का बच्चा बच्चा जानता है, पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है। आज हमारे माँ बाप बेटे बहने हमारे छोटे छोटे बच्चे इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में इस बिल का विरोध करते हैं, उन्हें पता हैगा कि यदि हमने इस बिल का विरोध नहीं किया तो हमारे हक में जो बरसों से हमारे बाप दादा जिस जमीन को जोतते आ रहे हैं वो जमीन हमारे अपने हाथ से चली जाएगी। इसलिए इस बिल का विरोध करने के लिए यह अभूतपूर्व प्रदर्शन पूरे पंजाब हरियाणा के, ये सिखों का आंदोलन नहीं है, ये दिमाग से निकाल डालो, ये देश के पूरे किसानों का आंदोलन, ये जन आंदोलन है। ये ठीक है, पंजाब में सिख बहुसंख्या ज़्यादा है और हमारे लोग ज़्यादा खेती करते हैं, इसलिए और पगड़ी विशेष रूप से हमें तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सजाया ही ऐसा आएगा कि हम 1.25 लाख में भी एक दिखते हैं, और इसलिए हम बहुत बहुतायत में दिख रहे हैं वहाँ पर। लेकिन ये जन आंदोलन है और मोदी सरकार को तुला तुरंत इस बिल को वापस लेना ही चाहिए। मोदी सरकार को ये जातिवादों की राजनीति कर रही है, ये
है सिखों के इतिहास को भूल गए हैं, वो भूल गए हैं। ये जो मुस्लिमों का हमारे ऊपर प्रेशर लाया जा रहा है, हमारा धर्म इंसानियत का धर्म है, हिंदू मुस्लिम का धर्म नहीं है। मोदी सरकार को ये याद रखना चाहिए कि दरबार साहब की जीत उस समय के सैयद पीर मियां मीर के हथकरघमलों से हुई, और बंगाल युद्ध में, बंगाली के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ में वीर बुद्धू शाह और उनके चार पुत्र शहीद हुए थे, उसके 400 मसंद शहीद हुए थे। वीर भीकन शाह के हमारे गुरुओं से बहुत अच्छे संबंध रहे। वीर मूसा रोड़ी हमारे गुरुदेव बहादुर जी के साथ में उनके घनिष्ठ संबंध थे, पूरा जीवन उन्होंने उसको समर्पित किया। तो जानबूझ के इसको हिंदू मुस्लिम सिखों में डिवाइड करना और इस बिल को किसी भी तरह से पास करा के इसको अडानी और अंबानी के हक में लेके आने की ये जो साजिश है, इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आज हमारे सब बच्चे बच्चे शर्म आनी चाहिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें घटना में ये अधिकार दिया है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो है अपनी बात रख सकें। गंदे नाले का पानी इतनी कड़कड़ाती ठंड में छोटे बच्चों और माता बहनों बुढ़ी बुढ़ी औरतों पर तुम कैनल चलाते हो, वाटर कैनल देख लिया, वाटर कैनल चला के देख लिया तुमने, आंसू गैस के गोले डाल के देख लिया, जिन पोलियो को जिन पुलिस से हमारे किसानों पे मार कुटाई करा रहे, ये हमारे संस्कार है कि उन पुलिस वालों को ही हमने लंगर छका के वापस उनके घरों पे भेजा है, उनकी भूख का समाधान भी हमने कराएगा। ये चाय वाय बेचने वाले के संस्कार नहीं है, ये हमारे सिख धर्म के संस्कार। जितना तुम हमको दबाओगे, हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज के वचनों को भूल गए, मनु साड़ी दात्री असी मनु दे सोए, जो जो मनु गढ़ दे तू सवाए हो, हम दुगने नहीं 100 गुने होके इस युद्ध में तुम्हारे सामने आएंगे। बोले हमको नहीं, हम शस्त्रों में पैदा हुए और शस्त्रों में मरने वाले हैं। जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है ना, जब वो समझदार होने लगता है तो उसको कानों में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ये वचन पढ़ते हैं, अस कृपान खंडो खड़क तुबक कबर और तीर सब सिने। तो हमने शस्त्रों को पीरों का दर्जा दिया, हमने ईश्वरों का दर्जा दिया है, हम शस्त्रों के साथ जीते हैं और शस्त्रों के साथ मरते हैं, हमको तुम क्या शस्त्रों का डर दिखाओ। इस काले कानून को तुमको वापस लेना ही होगा। बोले सोनिया आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने। अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW न्यूजचे ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा, आपल्याला हवी ती भाषा निवडा, आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW न्यूजवर।